सीतापुर भूमाफियाओं द्वारा समूचे जनपद में शासन और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत में इस प्रकरण का किसान मंच सीतापुर द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए कई ज्ञापनों के माध्यम से शिकायत की गई, पर कोई भी कार्यवाही न होना जिम्मेदारों की निष्ठा पर सवाल खड़े करता है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सीतापुर को ज्ञापन सौंपते हुए किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह, जिला प्रभारी नवल किशोर मिश्रा, युवा प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष शिवम सिंह सहित उत्तम मौर्य आदि पदाधिकारियों ने कहा कि नैमिष क्षेत्र देहात ग्राम बकेनिया के ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 439 सहित तालाबों पर पाट कर की जा रही प्लांटिंग करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ सीतापुर शहर से नजदीक कनवा खेड़ा एवं नेपालापुर हाईवे जमैतपुर पार्क में ग्रीन बेल्ट P1 जमीन पर बनाए जा रहे कमर्शियल भवन निर्माताओं के साथ कसरेला रोड पर M1 अनारक्षित जमीन पर स्थापित कॉलोनी निर्माता भूमाफियाओं के विरुद्ध ठोस और प्रभावी कार्यवाही कर मुकदमे पंजीकृत करने चाहिए। आज हम लोग किसान मंच की तरफ से जो ज्ञापन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भिजवाया गया है, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नैमिष पर्यटन स्थल नैमिष को विकसित करने के लिए घोषणा की है, उनकी घोषणा के साथ साथ में भूमाफिया बहुत ही सक्रिय हो गए हैं। ग्राम पंचायत की जमीनों पर, नगर पालिका की नजूल की जमीनों पर अनाधिकृत रूप से कब्जेदारी कर रहे हैं, कहीं किसी जमीन पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है। जब शासन से पत्र आ चुका है कि ये कार्य बंद किया जाता है तो आखिर क्यों चल रहा है, ये बंद कराया जाए और भूमाफियाओं को नैमिष से मुक्त कराया जाए, नैमिष को एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में किया जाए और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं चारों तरफ शहर के, चाहे खैराबाद हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे कहीं हो, वहां पर भूमाफियाओं ने इस तरीके से किया है कि वो थर्ड पार्टी से बैनामा प्लाट वालों को लिए कर दिया, जिससे बीच के राजस्व की जो बैनामा का पैसा था, जो स्टाम्प का पैसा था, उससे राजस्व का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की जांच कराई जाए। विगत कई वर्षों से एक खेल चल रहा था जिससे करोड़ों रुपए का जो है करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।